अस्सलाम वालेकुम वियर्स, आज हम आपको भैरव टाउन के अंदर जो सबसे प्राइम लिविंग एरिया है, जिसको यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं, जो एक सिंबल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है, लग्जरियस लिविंग है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का यहाँ पे आपको देखने का एक मुजाहरा मिलता है आपको। प्रेसिडेंट 19 के अपार्टमेंट्स, जहाँ पे 2 बेड 3 बेड और 4 बेड के अपार्टमेंट्स दिए हैं, और मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट 2 के बाद सबसे पहले लिविंग जो भैरव टाउन में स्टार्ट हुई थी वो यहाँ अपार्टमेंट में थी। अगर आप इन अपार्टमेंट को देखें तो पूरे प्रिसेंट का आपको विजिट करा रहे हैं ड्रोन के थ्रू। आपको कहीं भी कोई कोई गाड़ी कोई किसी किस्म का कोई मिसमैनेजमेंट किसी तरह की नज़र नहीं आएगी। जितनी गाड़ियाँ प्रॉपर पार्किंग में होंगी, मोटरसाइकिल मोटरबाइक की अलग पार्किंग है, इतनी बिल्डिंग आप देखेंगे सारे अलाइव हैं, फुली अलाइव हैं, किसी में कोई बैल लटका हुआ कपड़ा नहीं नज़र आएगा, कोई एसी यूनिट नहीं नज़र आएगा, और हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज और वेल मैनेज नज़र आएगी। हर अपार्टमेंट के बिल्डिंग के सेंटर में बच्चों के लिए प्ले एरिया दिया गया है, प्रॉपर पार्किंग दी गई है, और 2-3-4 बिल्डिंग के बाद आप देखेंगे एक्स्ट्रा पार्किंग भी दी गई है। जिन लोगों के पास यहाँ पे जो रेजिडेंट हैं, अगर वो आते हैं तो उनकी गाड़ी अंदर पार्क होती है, और अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो वो बिल्डिंग से बाहर की जो पार्किंग स्पेस है वहाँ पर पार्क होती है। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इस पूरे प्रेसिडेंट में बहुत अच्छा है। इसमें शॉपिंग गैलरी, मॉस्क और बाकी बेसिक नेसेसिटीज़ की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये आप देखिएगा, इस वक्त हम लोग जिना के पास हैं और ये सारा प्रेजेंट आपको दिखा रहे हैं। ये सामने जो नीचे बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ का जो सर्विस डिपार्टमेंट है, और इसके साथ आप इसको मॉस्क दिखा रहे हैं। मॉस्क के बिल्कुल सामने टावर 8 है, 4 बेड, उसके साथ 6, 7, 3 बेड, और ये पूरा प्रेजेंट आपको एक ही गो में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो कम्युनिटी है ये भैरव टाउन कराची ही की कम्युनिटी है, और यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ की जो मैनेजमेंट है, ये इस वक्त जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है यहाँ का शॉपिंग गैलरी एरिया है, डबल स्टोरी बिल्डिंग है। ये अगेन हम वापस आपको प्रेसेंट 19 की टावर 6, 7 इसकी तरफ लेके जा रहे हैं। ये एक पार्किंग और सेंट्रल ग्रीन एरिया आपको दिखा रहे हैं। ये सारी मैनेजमेंट हर टावर में देखेंगे, हर लोकेशन पे देखेंगे। ये अगर आप गाड़ियों की पार्किंग देखते हैं, यहाँ की लैंडस्केप देखते हैं, यहाँ का जो अकोमोडेशन है, बिल्डिंग का अरेंजमेंट है यू शेप में देखते हैं, तो बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जिसे कह सकते हैं बिल्डिंग भी हैं, इनके लिविंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, यहाँ के प्रोटोकॉल बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फैमिली कल्चर को डिवेल्प किया गया। पूरी बिल्डिंग में कोई भी अननोन बंदा नहीं जा सकता, जो यहाँ का रेजिडेंट है सिर्फ वही जा सकता है। अगर किसी का कोई रिलेटिव कोई दोस्त मिलने आएगा तो पहले रिसेप्शन पे उसको इंटीमेट करना होगा, अगर उसकी परमिशन होगी रेजिडेंट की तो फिर वो कोई साहब अंदर जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। यही वो चीज़ है जो कल्चर भैरव टाउन ने डिवेल्प किया, यही इसका स्टैंडर्ड है। इनिशियली इस चीज़ पर बड़ी रेजिस्टेंस भी भैरव टाउन को मिली, जब लोग यहाँ के शिफ्ट हुए तो इन पाबंदियों को देखते हुए उन्होंने रिजिस्ट भी किया। भैरव टाउन ने बड़ा इसके ऊपर एफर्ट की और उसका नतीजा ये कि आज ये कल्चर आपको डेवलप हुआ नज़र आता है। आपके सामने एक एक चीज़, वो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ और जो चीज़ें मैं नहीं भी बता पा रहा आपके सामने, बिल्डिंग की सफाई देख सकते हैं, इनकी मैनेजमेंट देख सकते हैं। ये देखें, ये इसके बिल्कुल साथ हॉस्पिटल का एरिया, ये सारी बिल्डिंग हॉस्पिटल की। हमने कोशिश की है पूरे प्रेसेंट का ओवरव्यू आपको दें, यहाँ की जो मेंटेनेंस है उसका दिखाएं आपको, यहाँ पे जो पार्किंग के हवाले से देखें, इतनी बिल्डिंग है, इतना एरिया पार्किंग का कोई इशू नहीं, आलमोस्ट सारे इलाई में फिर भी काफ़ी सारी पार्किंग आपको फ्री मिलती है। ये जना एवेन्यू सामने आपको नज़र आ रहा है, जना एवेन्यू और बिल्डिंग्स के बीच में कमर्शियल एरिया है सारा। आई होप के आपको इस पूरे प्रेसेंट के बारे में एक जनरल ओवरव्यू मिल गया होगा। मजीद आपके प्रेसेंट 19 के हवाले से, अपार्टमेंट के हवाले से कोई क्यूरी तो प्लीज़ हमारे साथ आपने में रहिएगा। थैंक यू सो मच।